हेलो एवरीवन वेलकम टू आयस पॉइंट आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा अभी राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझ रहे थे तो इसमें कुछ पॉइंट्स है ठीक है हमने देखा था कि आ, किसी एक पर्टिकुलर बेस पे हम नहीं कह सकते कि मतलब इससे आधार मतलब इसको आधार मान के कि राष्ट्रवाद हो सकता है कि यहाँ पे यदि लैंग्वेज के आधार पर हम बात करें रिलीजन के आधार पर बात करते हैं या कि उनके लिंग के आधार पे जेंडर के आधार पे बात करें या नस्ल के आधार पे बात करें तो ये राष्ट्रवाद होगा ऐसा नहीं था ठीक है तो जब ऐसा नहीं था तो फिर हमने यहाँ पे कुछ बातें की थी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यानी कैसे राष्ट्रवाद को पहचान सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात किए थे हम साझा साझे विश्वास के बारे में ठीक है कि कैसे आपस में जब भरोसा बना रहता है क्योंकि ये एक काल्पनिक दुनिया है यहाँ पे कोई आपको नहीं मिलेगा कि कोई रेखा बनी हुई है या कोई कुछ भी बना हुआ है आप जियोग्राफी में पढ़ते होंगे कि रेड क्लिप रेखा है डूरन रेखा है एल में जो आपकी सिच फायर लाइन है तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है कि यहाँ से और हम इंडिया में हम पढ़ते हैं जब इंडिया की जियोग्राफी पढ़ते हैं कि यहाँ से दो सौ नाटिकल समुद्री मील तक क्या है कि हमारा इंडिया का अधिपत्य है उसके बाद इंडिया का नहीं है इंडिया कहाँ तक क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है तो इसमें भी कोई आपकी लाइनें नहीं बिछाई गई हैं बस एक काल्पनिक मान लिया गया है कि इतने से यहाँ पे क्या होगा कि ये इंडिया वाला रीजन कहलाएगा उसके बाद जिस भी कंट्री के साथ सीमाएं जो रेखाएं बनी है कि ये जैसे डूरन रेखा पहले जो थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी बट अभी इस टाइम जो है भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आते हैं ठीक है मैक मोहन रेखा हो गई वो सारी काल्पनिक होती हैं तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ आपको ये दिखाई देगा और हमने विश्वास में देखा भी था कि कोई ये पहाड़ जैसा नहीं है या नदी जैसा नहीं मतलब एक ऐसी वस्तु जैसा नहीं है जिसे हम देख सकते हैं क्योंकि पहाड़ भी हम देख सकते हैं उसे महसूस कर सकते हैं उसकी ऊंचाई देख के या उसकी गहराई देख के हम समझ सकते हैं कि पहाड़

उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है यानी राष्ट्र क्या होता है कि खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हो वे क्या करते हैं कि देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करके आ, मतलब करने के लिए साझी स्मृतियाँ किव किम बदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध ठीक है यानी कि इतिहास बोध निर्मित करते हैं और इसी प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि एक सभ्यता के बतौर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है और क्या होता है कि यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है यानी कि आज से नहीं करीबन बहुत हजार साल बरसों पहले से हमारे यहाँ सभ्यता का विकास था हमारे यहाँ संस्कृति थी हमारी खुद की हमारे यहाँ खुद के सभ्यता जो भी आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो सिंधु घाटी वैली सभ्यता पढ़ते हो वहाँ पे से हम देखते हैं कि कैसे आ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही देश में था आ, कई जगह पे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं आप यदि हिस्ट्री की जो एन सी आर टी उसे आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ मेसोपोटामिया वगैरह जैसे कुछ नाम मिले होंगे तो ये इधर इंडिया के मतलब नियरेस्ट नहीं थे बट ये कहीं और थे कि वहाँ पे पहले कुछ ऐसे लोग रहते थे या कुछ उनका जीवन यापन जो भी होता था तो वहाँ भी पहले से लोग रहते थे मेन कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ पे ये पता चला कि लोग पहले से यहाँ पे रहते थे और काफ़ी बेटर वो लोग जीवन व्यतीत करते थे अपना ठीक है हड़प अप, हड़प्पा सभ्यता में आपको ग्रामीण इलाका कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं मिट्टी के घर कहीं मिलेंगे नहीं आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु वैली सिविलाइजेशन आप जाइए कहीं नहीं मिलने वाला आपको तो वहाँ से सभ्यता यानी कि ये तो है कि हमने आज कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया कि जो सिटी डेवलप हो रही है जो घर जो है अब मिट्टी के नहीं हमारे सीमेंट के बन रहे हैं तो वो कोई आज की बात नहीं है ठीक है जब हम पढ़ते हैं और आपके जो हिस्ट्री मतलब ऑप्शनल होता है या जी पेपर फर्स्ट ही इसमें हिस्ट्री रहता है तो वहाँ पर मेन्स में एंसर राइटिंग करने के लिए भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आ, जो हमारी सिविलाइजेशन है चाहे वो कोई भी हो उनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं ठीक है थीके? उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर करके ही रखिएगा तो इसमें हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि मतलब बहुत पुराने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और क्या होता है कि देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है उदाहरण के लिए यदि बात करें तो नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो ये बुक किसकी है नेहरू जी की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने क्या लिखा था हालांकि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा चाहे हमें जो भी राजनीति के भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो यानी कि इनकी नेहरू जी की सबसे पहले आ, ये एक बार मैं शायद लिखवा भी चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि जो नेहरू जी की बुक थी ठीक है तो इसमें क्या बताया गया था कि यहाँ पे उस बुक का नाम पहले याद रखिएगा आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी और इन्होंने क्या कहा था तो ज़्यादा मेन ये नहीं कि क्या कहा था बस आपको बुक का नाम याद रखना है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो देश है ना विविधताओं वाला देश है यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विविधताओं का देश किसे किसने कहा था किसका स्टेटमेंट है तो आप बखूबी लगा सकते हैं तो ना भी लिखे चलेगा बुक का नाम लिख लीजिए आपकी नेहरू जी की थी और इनका जो स्टेटमेंट है कि ये जो देश है पूरा भले ही हम अलग अलग हों लेकिन हमारे अंदर एकात्मकता की भावना वो बहुत ही ज़बरदस्त वाली है यानी कि जो मैंने कल आपको समझाया था कि हम घर में भले ही लड़ते मरते रहे कुछ भी कर लेकिन ले, कोई बाहर वाला आके ना हमारी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता हम साथ में खड़े होते हैं चाहे वो कुछ भी हो जाए कितनी भी हमारी आपस में दुश्मनी रहे वो अलग बात है हम बाद में निपट लेंगे लेकिन कोई बाहर वाला हमारे साथ या आपके साथ वो पंगा नहीं ले सकता है क्योंकि हम सब फिर बाहर की नजरों में एक है उसके बाद क्या आता है भूक्षेत्र की बात करते हैं भूक्षेत्र में क्या होता है कि तीसरा बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है किसी खास भूक्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना और उससे जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती हैं यानी कि एक भूक्षेत्र जो होता है ना हमारा किसी भी राष्ट्र का चाहे वो कहीं का भी राष्ट्र का हो राज्य का हो तो यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रों की पहचान का एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक एक मतलब लंबे समय तक क्या होता है कि साथ साथ रहना और उससे जुड़ी सांचे अतीत किया दें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती हैं यहाँ पे जब हम कहीं पे लंबे टाइम तक रहते हैं वो हमारी पहचान बन जाती है अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से हो तो बिल्कुल आप जहाँ से हैं जहाँ पे रह रहे हैं आप बताएंगे कि हम यहाँ से हैं मेरे से कोई पूछता आप कहाँ से हैं मैं बताऊंगी कोई अलग प्लेस क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नाम हो चुका है जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं वहाँ का चाहे वो गांव का नाम एक रख दिया गया हो या सिटी का कुछ भी आपका डिस्ट्रिक्ट के ना हाँ यहाँ पे आप देखते हो आप किसी ने कहा कि हम राजस्थान से हैं किसी ने कहा हम लखनऊ से हैं, किसी ने कहा हम यूपी से किसी ने कहा यूपी के अंदर भी जो भी आपके कई सारे डिस्ट्रिक आते हैं तो वहाँ से किसी ने बता दिया किसी ने कुछ बता दिया यानी कि अलग अलग ठीक है सबके नाम रखे गए हैं आपको ऐसा है कि यहाँ तक ये वाला पार्ट है यहाँ तक ये वाला पार्ट है ऐसा कुछ नहीं है बस एक आसानी के लिए कि हम ऐसा फिर हमारी पहचान नहीं हो पाएगी ना यदि आपका नाम कुछ नहीं होता है जैसे किसी का नाम गीता है सीता है राधा श्याम जो भी है नाम ठीक है तो यहाँ पे यदि किसी का नाम नहीं होता है तो क्या होगा कि हम नहीं पहचान पाएंगे किसी इंसान को भी क्योंकि सब तो इंसान है हम क्या जानेंगे कि कैसा कोई कह दे कि वो गोरा इंसान था तो गोरे तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे या वो थोड़ा सामला था तो ऐसे में हमें बहुत सारे सामने मिल जाएंगे लेकिन कोई ये कह दे कि कोई एक राधा नाम की लड़की थी ठीक है अब राधा नाम के आगे यहाँ पे राधा वैसे नहीं होता राधा से बहुत सारी लड़की आ जाएगी लेकिन राधा के बाद उनके पेरेंट्स का भी नाम उसके साथ जुड़ा होगा उसके बाद वो किस प्लेस से आ रही है जो राधा है तो वो किस प्लेस से आ रही है ठीक है तो वहां का नाम उसका होगा तो इसमें से क्या होगा अलग अलग कही कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ गया हो सकता है कि एक ही कास्ट की दो राधाएं हो आप स्कूल में पढ़ते हैं एक ही कास्ट की दो राधाएं मिल जाएं तो वहाँ पे उसका सरनेम दोनों का एक है लेकिन हो सकता है उनके पिता का नेम जो हो वो चेंज हो या वो जिस जगह से आ रही हैं उनकी जगह चेंज हो कि कोई ए, इस इलाके से आ रही है कोई इस इलाके से आ रही है तो उनकी पहचान अलग अलग हो जाएगी लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि सब मिक्स हो जाएंगे हम किसी को नहीं पहचान पाएंगे कौन है कैसा है हमारा अपना भी हम कहेंगे जाओ उनसे मिल लेना वो ऐसे दिखते थे अब हमने कह दी ऐसे दिखते थे थोड़े लंबे हैं थोड़े से छोड़े हैं थोड़े से मतलब उनका फेस कट अच्छा सा है वो गोरे से हैं अब हमने आप इतनी सारी पहचान बता दी अब आप पता नहीं इस दुनिया में कितने सारे उस टाइप के इंसान मिल जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम उनसे जाके डायरेक्टली मिल पाए या जब आप उनसे मिलेंगे भी जिनके पास मैंने भेजा आपको ऐसी कदकाठी बता के और आप उनसे मिलेंगे भी तो उनसे वो आपको नहीं पहचानते अब आप उन्हें क्या बताएंगे वो पूछेंगे किसने आपको भेजा कैसे क्या हुआ आप बताएंगे कोई एक लड़की थी उसने हमें बताया था वो ऐसी दिखती थी वो वैसी दिखती थी बस तो आप फिर ऐसे बताएंगे ठीक है तो अब जरा सोचिए थोड़ा अपने मन में ये सोचिए कि जब हम ऐसे करेंगे तो ये वाली दुनिया कितनी अजीब सी होगी कि जहाँ कोई हमारी पहचान ही नहीं होगी जहाँ कोई हमारा नाम नहीं है कोई हमारा पता नहीं है कोई हमारा प्लेस नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे पास उस दुनिया में ना जीना ही मुश्किल है फिर मर जाना ही बेटर होगा कि वहाँ पे किसी से भी मिलना है किसी से बात करना फिर वही जानवर हो जैसा कि उनकी कोई पहचान नहीं है आप हम इंसान हैं तो हम जानते हैं ये गाय है ये भैंस है ये बकरी है लेकिन उनको भी वो नहीं पता होता है तो इस तरीके की कंडीशन आ सकती है इसीलिए क्षेत्र जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें करता है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे उन्हें एक होने का एहसास भी देता है जब हम एक साथ रहते हैं इसीलिए क्या होता है कि यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं एक गृह भूमि की बात करते हैं ये लोग जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं जिस जगह रहते हैं उस पर अपना दावा पेश करते हैं और अब उससे बहुत महत्व तो देते हैं राष्ट्र अपनी अपनी गृह भूमि का जो यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं उसे तो बिल्कुल इम्पोर्टेंस देंगे ही और चाहे हम झोपड़ी में भी रहें तो भी क्या है कि हम वहाँ से महलों में जाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि ज़िंदगी हमने यहाँ गुजार दी बताओ मतलब बहुत दुख होता है जब हम जाते हैं किसी जगह को छोड़ के जहाँ लंबे टाइम से रह रहे हों भले वो हमें घटिया जगह लग रही थी लेकिन धीरे धीरे उस जगह से भी हमें बहुत अच्छा खासा लगाव हो जाता है एंड छोड़ने का मन नहीं करता है ठीक है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती कि आप अपना हक जताने लगते हो देन क्या होता है जैसे कोई भी मतलब कोई जैसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि कहता है यानी कि हम कहते हैं हम अपनी मातृभूमि में हैं कोई कहता है ये हमारी पितृभूमि है कोई कहता पवित्र भूमि है सबकी अपनी अपनी सोच है अपने अपने विचार हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है कि यहूदी लोगों ने क्या किया कि अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल ग्रह स्थल फिलिस्तीनी यानी कि जो उनका फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है यानी कि यहूदी हर जगह पे दुनिया पे फैले हुए थे लेकिन उन्होंने यही दावा किया कि हमारी जो ग्रह भूमि है वो फिलिस्तीन है भले ही वो कहीं पे थे हम यदि इंडिया के हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें हम यही कहेंगे कोई हमसे पूछेगा हमारी पहचान तो हम यही बताएंगे कि वी आर इंडियन हम इंडियन हैं हम कहीं भी रहे हमे अमेरिका में रह रहे हैं हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जापान पे रह रहे हैं जर्मनी में रह रहे हैं सऊदी अरब में रह रहे कहीं भी रहे इंडिया के कोने में लेकिन हम क्या बताएंगे कि हम इंडियन हैं हम भारतीय हैं हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये हैं हम वो हैं दुनिया भर का हमारा जो गृह भूमि है या हमारी जो मातृभूमि है वो हमारी भारत है हम यही बताएंगे और हमेशा लोग बताते भी हैं कोई अमेरिका का व्यक्ति आ जाए यहाँ पे वो भी यही वर्ड यूज करेगा कि हम अमेरिका से हैं हमारी मातृभूमि अमेरिका है यहाँ पे वो अपनी आजीविका के लिए या किसी भी वजह से वो आके रह रहा है वो अलग बात है कि नागरिकता भी यहाँ की मिल जाती है सब कुछ है लेकिन बताया यही जाएगा कि हम अमेरिकन हैं ठीक है थीके? उसके बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल फिलिस्तीन का ही दिया गया यानी कि यहूदियों का ही उनका क्या कहना है कि भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उप की नदियों पर्वतों और अंचलों से है जो कि एक ही भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है लिहाजा गृह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है यानी कि सबको अपनी अपनी आकांक्षाएं होती इच्छाएं होती हैं और कोई भी हो कोई भी हो अपनी पहचान छोड़ने के लिए इंसान कभी नहीं तैयार होता अगर सोचिए यहाँ पे जो ये जो बताया गया कि गृह भूमि की एकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण होती है तो हक के लिए लड़ना छोड़ देंगे तो इस दुनिया में तो फिर ऑटोमेटिक शांति आ जानी है यहाँ पे तो कोई कुछ ना तो हमें परमाणु बम बनाने की जरूरत है ना उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना कोई हथियार बनाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ तो सब प्यार मोहब्बत से रहने लगे क्योंकि किसी की इच्छा ही नहीं है लेकिन यहाँ सबकी इच्छाएँ वो जिस जगह पर रहा उस जगह को आप छुड़ाने की कोशिश करोगे तो वहां पे वो आपके खिलाफ हथियार तो उठाएगा, हथियार उठाएगा तो हथियार बनाने भी पड़ते हैं तो इसलिए इसमें ये समस्या तो खैर बनी रहती है उसके बाद क्या होता है साझे राजनीतिक आदर्श अब राष्ट्रवाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है साझे राजनीतिक आदर्श ये सारे राष्ट्र जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी हमारे एक राष्ट्र का निर्माण होगा इसमें ये बताया जा रहा है ठीक है तो अब इसमें क्या है कि साझे राजनीतिक आदर्श कैसे होते हैं थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं तो इसमें चौथा है हालांकि क्या होता है कि अपना भू क्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम एक है ठीक है हमने क्या कह दिया अपना हमने हिस्ट्री बताई जो इतिहास हमने देखा कि पहले से हमारे यहाँ सभ्यताओं का उदय हो चुका था जो भी है उसके बाद हमने क्या बताया हमारे एक पर्टिकुलर भू क्षेत्र है उससे हम क्या कर सकते हैं कि लोगों के एक होने का बोध करा सकते हैं ठीक है या उन्हें ये ठीक है उन्हें ऐसा हो सकता है कि हाँ वो मान सकते हैं कि हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं हम सब एक हैं लेकिन अभी इतने से काम बनने वाला नहीं है ठीक है इसमें क्या होता है लेकिन भविष्य के बारे में साझा नज़रिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मोल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग अलग करती है उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे क्या करें किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं बाकी बातों के अलावा वे लोगों यानी कि लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं असल में क्या है कि ये वही दे यहाँ पे जो बताया गया है कि ये ही वे शर्तें हैं जिनके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं यहाँ पे ये सब होने के बाद भी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी यदि एक अच्छी खासी पहचान बनानी है और पहचान के बाद यहाँ पे कोई लीडरशिप करने वाला होना चाहिए कोई लीडर होना चाहिए उसके लिए एक राजनीतिक व्यवस्था वो भी आदर्श राजनीतिक की यहाँ पे कल्पना की जा सकती है और की ही जाती है क्योंकि यहाँ पे यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ठीक है कि हम आ, मतलब अपना भू क्षेत्र बता दिए इतिहास बता दिए हम कहते हैं हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं अब यहाँ पे कोई लीडर ही नहीं किसी का जब कोई लीडर ही नहीं किसी का तो कैसे सिस्टम चलेगा आज हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कानून है कोई यदि हमसे बहस करता कोई हमसे बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ़ केस कर देंगे हमारे ये अधिकार है आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं लेकिन हमारे अधिकार नहीं होते हमारे पास कुछ नहीं होता हमारे पास कोई सत्ता नहीं होती कुछ भी नहीं होता तो उस वो भी एक समस्या का ही विषय था ठीक है तो राष्ट्रवाद का ये भी एक पार्टी है उसके बाद आता है, लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है उसके इसके अंतर्गत होता क्या है कि राजनीतिक समुदाय के जो सदस्य होते हैं कुछ दायित्व में बंधे होते हैं यानी कि जो राजनीतिक समुदाय के मेंबर हो वो उनके अंदर कुछ मतलब उनमें कुछ दायित्व में बांध दिया जाता है कोई गृह मंत्री है कोई शिक्षा मंत्री कोई कपड़ा कपड़ा मंत्री है तो कोई उद्योग मंत्री है उनके सबके अपने अपने क्षेत्र दे दिए जाते हैं कि आपको इस पर बिल्कुल ध्यान दे के चलना है ठीक है इस पे काम करना है उसके बाद क्या होता है अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्व होते हैं ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों की पहचान लेने से पैदा होते हैं अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लेते हैं तो क्या होता है कि इससे राष्ट्र मजबूत हो ही होता है हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है यदि तो राष्ट्र के नागरिक क्या होते हैं कि वो सहनागरिकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को जान लेते हैं और मान लेते हैं कि जो राष्ट्र में नागरिक है तो सिर्फ इतना नहीं कि हम ये कहें हमारे पास अधिकार है हमें अपने कर्तव्य भी याद होने चाहिए हमारे पास कुछ कर्तव्य भी, भी है हमारे पास सिर्फ अधिकार नहीं है जिस पे हम दावा कर सके हमारे पास कुछ ड्यूटीज है जो हमें करनी पड़ती है मीन्स कि यदि हम अपने लिए सुकून की जिंदगी चाहते हैं तो किसी की ज़िंदगी हराम मत बनाए ये हमारे ये ड्यूटी है कि यदि हमें अपने लिए अच्छा खासा मतलब इन्वायरमेंट चाहिए सो हम ये समझे कि जो दूसरा रह रहा है उसे भी नागरिकता प्राप्त है वो भी इस राष्ट्र का मेंबर है उसके अंदर भी राष्ट्रपात की भावना कूट कूट के भरी हुई है सो हम इतना ना बने कि उसका ही सब कुछ छीन जाए। इसलिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे यदि कोई लीडर होता है कोई यहाँ पे एक मतलब नेतृत्वकर्ता तो होता है तो सिस्टम काफ़ी हद तक बेटर चल सकता है ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा टोटली बेटर होता है और लेकिन हाँ बेटर चल सकता है ठीक है जैसे आज आप देख रहे हो कि इंडिया का ही एग्जाम्पल लें हम तो हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ला हैं हर एक के लिए हैं बहुत सारे यहाँ पे यदि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें डर है कि यहाँ पे हम पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे या कुछ भी होगा तो अभी हमें एक डर है ठीक है कि हमें अधिकार तो है लेकिन यदि गलत करते हैं तो दस बार हम सोचते हैं कि यदि गलत में पकड़े गए तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे सजा के पात्र हम होंगे ये तो तय है आज नहीं तो कल हम पकड़े ही जाएंगे यदि तो सज़ा तो मिलनी है ठीक है और उस हिसाब से क्या करेंगे कि कुछ के कदम हो सकते है, हैं पीछे हट जाएं कुछ तो जो मतलब है उनका जो पैसा ही पड़ चुका है तो ठीक है एक बार सजा काटेंगे छूटेंगे दोबारा आएंगे वही करेंगे ती बार तीसरी बार आएंगे फिर वही करेंगे तो कुछ की बात छोड़ दीजिए लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम यदि हमारे पास बेहतर है तो हमारी लाइफ एक स्मूथली चल सकती है समस्या ज़्यादा नहीं हो सकती है अदरवाइज़ हमें हमेशा डर डर के ही जीना पड़ेगा जिसका जो मन कर रहा है वो वही कर रहा है कोई लीडर ही नहीं है तो जब कोई लीडर नहीं तो सब बनना चाहते हैं आप भी चाहेंगे कि हम थोड़ा आगे आएँ हम चाहेंगे हम थोड़ा आगे आए दूसरे चाहेंगे हमारी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो तो इस तरीके से समस्या क्रिएट हो जाएगी तो ये एक राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है और किसी के लिए अच्छा हो सकता है ताना साहेब वालों के लिए अच्छा हो सकता है और जो भी अदर कंट्री है उनके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन एक राष्ट्रवाद जो रियल में कहता है या राष्ट्र की एक रियल में आप डिफिनेशन निकालोगे तो ये उसके लिए बेटर नहीं कि आप ऐसा कुछ करो लीडर का होना इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे आप राजनीति के थ्रू लीडर को चूज कर रहे हो तो वो तो आपका एक माध्यम है जरिया है कि आप किसके माध्यम से हम कैसे चुन रहे हैं किस में सहजता होगी हम अपना ठीक है चुनाव ना करें ऐसे ही हम किसी को ओ, कर दें कि ठीक है ये मेंबर जो है लीडर बन सकते हैं लेकिन ऐसे में भी समस्या क्रिएट हो जाएगी और वो चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं अब आपको समझ में आया हो या ना आया हो क्योंकि हमेशा बोलते हूँ कि जो भी डाउट हो आप पूछा करिए और नहीं डाउट रहता तो मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आया है ठीक है तो जैसे कि मतलब एक लीडर का चुनाव कैसे होता है और चुनाव कराना ही क्यों ज़रूरी था एक लोकतांत्रिक कंट्री में चुनाव प्रक्रिया ही क्यों अपनाई गई ये क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि क्यों ऐसा हुआ सारे एग्जाम्पल लेके इधर उधर की बातें सोच के जिसके माइंड में जो भी निकल रहा था वो सब देखने के बाद फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि यही जो स्थिति है बेटर थी इसके अलावा कोई और अपनाते तो वो अच्छा नहीं था और ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर चुके हैं आज हम इलेवेंथ क्लास की एन पढ़ने चल रहे हैं यानी कि इलेवेंथ क्लास तक हम पढ़ चुके हैं यानी कि बहुत सी बातें बहुत सी बातें क्लियर हो चुकी हमारी ठीक है तो इसमें से अब आज मतलब कि अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा भी पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है साझी राजनीतिक पहचान अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोगों का मानना है कि जैसा राज्य या समाज बनाना चाहता है मतलब चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों की व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती है यानी कि वो जैसे राष्ट्र बनाने की इच्छा करते हैं उसे व्यक्तियों को एक राजनीतिक रूप में बांध दो ये बोल रहे हैं इसमें पर्याप्त नहीं होता ठीक है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए कि इसके स्थान पर वह है एक समान यहाँ पे भाषा या जातीय वंश परंपरा जैसी साझी संस्कृत पहचान चाहते हैं और इसमें क्या होता है कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोल बोलना आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है यानी कि अभी हम एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हमारा जो आपस में आ, जो हम बातें कर रहे हैं ठीक है तो अभी हम हिंदी बोल रहे हैं और आपको भी हिंदी समझ में आ रही है तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए वो समझना अब यहीं पर आप एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो मैं क्या करूं यहीं पे पटर 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 अंग्रेज़ी बोलने लगूँ ठीक है अब वो आपके सिर के पता नहीं कितने फुट ऊपर से जाने वाला है एक दो इंच नहीं कितने फिट ऊपर से वो जाने वाला आपके सिर से क्योंकि वहां पे हवा ही नहीं लगने वाली कि हमने बोल क्या दिया है अब आप सोचते रहोगे कि इन्हे ने इन्होंने बोला क्या है क्या है और समझने की कोशिश भी करोगे टूटी फूटी अंग्रेजी आती हुई है तो वहां से हम कहेंगे चलो भाई यहाँ से निकलते हैं कहीं देखते हैं, दूसरा किसी के पास बैठेंगे लेकिन यहाँ बैठना मुनासिब नहीं हमारे लिए क्योंकि ये समझ से बाहर है सब कुछ और अभी यदि हम हिंदी में बात कर रहे हैं आप ही हिंदी में हो तो फिर दोनों कंफर्टेबल होंगे आप जो कहोगे वो मेरे को समझ में आ जाएगा मैं जो कहूँगी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आ, किसी की भी हमें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी हम दोनों ही अपनी बातों को अच्छे तरीके से आप हमें हम आपको समझा सकते हैं तो इसमें क्या बताया गया कि ये सच है कि एक भाषा बोलना आपसी संवाद को काफी आसान बना देता है इसमें कोई दोराय की बात नहीं ये सही है लेकिन अब जब किसी को नहीं आती आगे देखते हैं क्योंकि अभी इसका विखंडन होगा उसमें क्या होता है कि समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं अब दूसरा कि एक लैंग्वेज हो तो आसानी होगी एक धर्म हो तो भी कहाँ कहीं ना कहीं आसानी होगी ठीक है उसके बाद एक जैसे त्यौहार मनाना एक जैसे मौक़ों पर छुट्टियां चाहना और एक जैसे प्रतीकों की धारणा करना लोगों को करीब ला सकता है अब कुछ महानुभावों का ये मानना है उनकी सोच तो खैर अपनी काल्पनिक दुनिया जैसे ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है यानी कि पूरा टोटल मान लीजिए कि सब एक हो हम आप सब की सोच विचार धर्म रीति रिवाज भाषा जो भी है सब कुछ एक समान हो सब कुछ एक समान कोई भी डिफरेंस ना हो यदि एक कोई हिंदू है कोई एक ही धर्म हो चाहे हिंदू धर्म अपना ले सारे के सारे या चाहे मुस्लिम धर्म अपना ले सारे के सारे या सारे के सारे ईसाई धर्म अपना ले या इस एक राष्ट्र में रहने वाले सारे के सारे क्या करें वो किसी और धर्म को अपना ले या एक ही लैंग्वेज बोलने लगे सबके सब या एक ही तरह का जीवन यापन करने लगे सबके सब एक ही तरीके के सब की हो जाए तो अभी कि मतलब इजी हो जाएगा जो काम यहाँ पे मान के चलिए कि गवर्नमेंट को जो आपके लिए करना पड़ रहा है तो वो क्या कर रही है अभी यहाँ पे कि हमारे लिए उसे अलग से व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही हैं लेकिन दूसरों के लिए अलग से बनानी पड़ रही हैं यानी कि हमारी इच्छाएँ अलग हैं आपकी इच्छाएँ अलग हैं हमारी नीड अलग है आपकी नीड अलग है।, है, आपकी है उस तरीके से वो चल रही है लेकिन जब आपकी नीड हमारी नीड सबकी एक समान हो जाएगी कल हो जाएगी सो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ आसानी से ज़िंदगी गुजर जाए वो जिंदगी ज़िंदगी नहीं होती है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि आप आसान ज़िंदगी की तो बात कर रहे हो लेकिन इतना आसान नहीं होता आप भी यहाँ पर बता रहे हैं कि छुट्टियाँ भी हो रही अभी छुट्टियाँ हो रही तो ईद के लिए अलग डे डिसाइड किया गया है और बकरीद के लिए अलग डे डिसाइड किया गया है और दीपावली के दिन जो होता है वो अलग दिन छुट्टी होती है यानी कि जिनके जिनके धर्म है उस हिसाब से हमारी जो शासकीय छुट्टियां मिलती हैं हमें तो ईद में जो छुट्टी मिली हमें वहाँ पे वो उसका अलग दिन होगा ठीक है उसके बाद हमें जो दीपावली में छुट्टी मिली वो अलग टाइम पे मिली जो हमें होली पे छुट्टी मिली वो अलग टाइम पे मिली तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम गड़बड़ आ जाता है लोगों का कहना ये है कि हम बहुत सारा टाइम अपना लॉस कर देते हैं तो बेहतर है कि हम सब एक ही अपना लेते हैं यानी कि जहाँ खाना खाना है आपको सपोज घर में आप लोग कितने लोग मान लीजिए चार पांच लोग हैं हम लोग ठीक है उसमें से क्या करते हैं कि यहाँ पे सबकी पसंद अलग अलग है सबकी पसंद अलग अलग है तो अब ये कि खाना बनाने वाले को टाइम लगेगा जब सबकी पसंद का खाना बनाना है तो टाइम लगेगा लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि घर में जितने भी मेम्बर हैं जो भी खाना बन रहा है वो सभी खाएंगे मतलब कि हालांकि ऐसा तो होता है नॉर्मली ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि जो बन रहा है वो सबको खाना पड़ता है कभी आपकी पसंद का बनेगा कभी दूसरे के पसंद का बनेगा कभी तीसरे के पसंद का बनेगा ठीक है तो इसमें से क्या हुआ कि आप ठीक है खा लो यहाँ पे हम एक ही पसंद का बन रहा है तो वो आधे घंटे में ही बना के रख देगा खाना बनाने वाला जो भी होगा लेकिन जब अलग अलग डिमांड आएगी अलग अलग डिमांड आने में उसे दिन भर लग सकता है आपके पसंद का खाना बनाना फिर दूसरे के पसंद का बनाना फिर तीसरे के पसंद का खाना बनाना तो चार लोगों ने तो मतलब ये चार पाँच घंटे तो वो खाना बनाने में ही लगा देगा और यदि एक ही पसंद के लोग मिल गए तो वहाँ पे तो बहुत इजी हो जाएगा कि चलो ठीक है एक ही मतलब एक ही डिश खाना चाहते हैं वही बना के रख दो सारे के सारे खा लेंगे वही टाइम हमारा बच जाएगा तो इसी तरीके से सेम एग्जांपल आप इसी से समझ सकते हैं कि यदि ऐसा हुआ लेकिन क्या होगा कि सिर्फ यहाँ से वो खाना एक या दो लोगों के पसंद का हो सकता बाकी तो दो लोग पेट भर रहे हैं ओनली जीने के लिए फिर खा रहे हैं दो लोग उनका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि यही खाना हमें अच्छा लगता है बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बस वो क्या है कि हो सकता है एक लोग की पसंद का हो बाकी तो दो तीन लोग ये है कि बना है जो तो खा लेते हैं अपना किसी तरीके से आज की ज़िंदगी कटे कल देखते क्या बनता है तो इसी तरीके से फिर होगा कि यहाँ पे यदि हम एक जैसा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन यही आएगी उसके बाद क्या होता है लेकिन साथ ही यह मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन यहाँ पे ये यह बताया गया है कि छुट्टियाँ जैसे प्रतीक छुट्टियाँ चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों के करीब ला सकता है लेकिन साथ ही ये क्या कर सकता है मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है लोकतंत्र में जिसे हम क्या करते हैं लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं जिन मूल्यों को लोक हम लोकतंत्र में इंपॉर्टेंस देते हैं वो उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि वही है कि खाना एक का ही पसंद का बना है तीन लोग बिना पसंद के खा रहे हैं कि बस जीने के लिए खा लेते हैं बाकी कोई मतलब नहीं है कि इससे हमें कोई संतुष्टि मिलने वाली है या कुछ होने वाला है तो क्योंकि जब आपकी पसंद का कोई चीज़ होता है तो हमें एक अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है लेकिन जब वो हमारी पसंद की बातें नहीं होती हमारे पसंद का कुछ काम नहीं होता तो बस क्या है कि ठीक है जो भी हो रहा आप कुछ हम कर नहीं सकते सोच चलने दो जो भी है मैनेज करते किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ करते हैं फिर तो वो चीज़ें नहीं होती जैसे एक और एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मान के चलिए कि आप किसी दूसरी लड़की से या कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है शादी करना चाहती है घर वालों ने क्या किया किसी दूसरे को लाके आपके गले में बांध दिया और ये होता ही है अपने इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है कि घर वाले लाके बांध देते हैं और उसके बाद क्या होता है हम उसमें से ठीक है जैसा भी है आप कंप्रोमाइज करके फिर अब रहना तो इसी के साथ है जैसे भी है रह लेते हैं अपनी जिंदगी किसी तरीके से फिर वो काट लेते हैं तो बस ऐसा ही होता है कि हम एक जैसे रहने की कोशिश करें तो भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी इच्छाएं आपकी इच्छाएं कभी नहीं मिल सकती हाथ की पाँच उंगलें कभी बराबर हो ही नहीं सकती हैं आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक तो टूट के निकल जाएगी या तो आप घटाने की कोशिश करेंगे तो काटना पड़ेगा इसलिए वो जो पॉसिबल नहीं है वो काम करना ही कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है और टाइम लॉस की आ, हम बात कर रहे हैं यानी कि कि इसमें से यदि कुछ ऐसा होता है लेकिन अब इनका कहना है कि यदि ऐसा हो जाए तो राष्ट्रवाद के लिए अच्छा होगा तो जो कह रहे हैं इसमें उनकी बात गई कि यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है कि विविधताओं का देश है वो तो रह नहीं जाएगा कहीं भी यहाँ पे यदि ऐसा हो जाए तो फिर बहुत सी बातें जो हैं वो नहीं हो पाएंगी उसके बाद क्या होता है इसके दो कारण हैं एक तो यह कि दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता से भरे हुए हैं अंदरों ने दर से मैंने आपको कल भी कहा था ना कि आप अपने बब्बा से या दादी जी से घर में जरूर पूछिएगा कि आपके जो जिस धर्म से आते हो धर्म से लेकर किस वंश के हो किस गोत्र के हो और क्या होता जो भी आपकी जाति होती है और भी उसके अंदर बहुत सारा होता है जो जो भी होता हो आप उनसे पूछिएगा जरूर और जिस उन्होंने पूछा होगा उन्हें बिल्कुल पता होगा और आज यहाँ पे वही बातें कीजिए एक धर्म के अंदर एक धर्म के तौर पर क्या होता है विविधता एक धर्म ऐसे सारे धर्म यदि हिंदू धर्म में आप किसी ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हो तो एक मुस्लिम धर्म में भी कोई एक ऐसा जाति कास्ट होती है जिसे श्रेष्ठ माना जाता है तो इनमें सब में होता है और उनके अंदर भी भी कई सारे होंगे हर एक के अंदर बहुत सारे होते हैं और आप जब पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा क्योंकि खैर मुझे भी नहीं पता इतना सारा क्या कुछ होता है इसके अंदर ठीक है हालांकि मैंने सुना है ये बातें तो थोड़ा बहुत है कि आइडिया है जो भी है कि मतलब हम इस धर्म से हैं ये गोत्र है ये फलाना फकड़ दुनिया भरे का ये अच्छे वाले होते ये उच्च वाले होते वो निम्न वाले होते हैं अब हमारे ही जाति में ऐसे हो रहा दूसरे पे तो आगे निकलो अभी हिंदू धर्म में तो बहुत सारे हैं आगे निकल के जाओ तो वहाँ से भी उनके में भी है कि वो उस कैटेगरी से आ रहे हैं उस कैटेगरी के अंदर अभी वो इतने महान वाले हैं वो इतने नीचे वाले हैं अब समझ में नहीं आता क्या इनका मैटर ठीक है तो बस एक जानकारी के लिए मैंने कहा था आप लोग पूछ के रखिएगा ताकि थोड़ा बहुत पता रहे और हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी समझ हमारी बढ़नी चाहिए तो उसके बाद क्या होता है वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाले संवाद के कारण ही बने और बढ़े हैं परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं धर्म के अंदर ही बहुत से पंथ बन गए हमारे और धार्मिक ग्रंथों और क्या होता है कि नियमों की उनकी व्यवस्थाएं काफ़ी अलग अलग होती हैं अगर हम इन विविधताओं की अवेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान व्यवस्थित यानी कि स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर देंगे अगर जो अभी हमने ऊपर काल्पनिक दुनिया बसाई कि सब एक समान होना चाहिए और यहाँ पे अभी हम उसका खंडन करते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही धर्म के अंदर इतना सारा सब कुछ है और यदि हम एक समान करने की कोशिश करते हैं तो मान के चलिए कि एक दमनकारी यानी कि विध्वंसक दुनिया हम बसाने वाले होते हैं ठीक है जहाँ से उसका कोई वैल्यू नहीं होता किसी का को कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा कोई पहचान नहीं रह जाएगी कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो ऐसी दुनिया बना के हम कहें राष्ट्रवाद है बिल्कुल गलत ठीक है तो अब राष्ट्रवाद हम किसे कहेंगे जब सब गलत होता जा रहा तो कहेंगे किसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कहेंगे अभी राष्ट्रवाद हम की ये राष्ट्रवाद है दूसरा कारण क्या है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरा है अब जब एक की बात हो रही है तो अब एक का खंडन करना तो ज़रूरी है ना कि अधिकतर समाज जो है वो विविधताओं से भरा हुआ सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरा हुआ एक ही भूक्षेत्र में क्या होता है कि विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ रहते हैं किसी राज्य की सदस्यता के शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई रूप को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे और क्या होगा कि इससे शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या क्या होगा कि राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूहों की हानि होगी उसके बाद क्या होता है दोनों स्थितियों में समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता के निम्न उस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र के अमूल्य मतलब लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं सबके लिए स्वतंत्रता सबके लिए अधिकार की बात करते हैं और यदि हम एक कर दे रहे हैं तो एक में वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा खासा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप कि राष्ट्रवाद में सबके लिए बात होनी चाहिए किसी एक के लिए नहीं कौन सा एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था कि खाना घर में बन रहा है खाने वाले चार लोग हैं पसंद अलग अलग है लेकिन एक के पसंद का बन रहा है तो एक को ही आत्मसंतुष्टि मिलेगी तीन बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं जीने के लिए खा रहे हैं बस उनके लिए उस खाने का ना कोई वैल्यू नहीं है कोई वो नहीं कि मतलब कोई इंटरेस्ट से वो खा रहे हैं उसको क्योंकि बस एक ज़बरदस्ती है बस है कि अभी इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है तो जो मिल रहा ले लो और यही एग्जाम्पल यहाँ पे आप पे यदि बैठा रहे हैं तो बहुत अच्छे खास समझ सकते हैं कि यदि हम एक कर दे रहे हैं तो बहुत से लोगों को एक को तो फ़ायदा हो जाएगा कि किसी एक का धर्म है हिंदू तो धर्म है उसे फ़ायदा हो जाएगा या किसी एक का मुस्लिम धर्म ईसाई जितने भी धर्म होते हैं फ़ायदा हो जाएगा लेकिन वहाँ पे अदर धर्म वालों को अदर कैटेगरी वालों को अदर लैंग्वेज वालों को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होगी बहुत ही ज़्यादा मन में कुछ और है बाहर कुछ और है और वो हम कर नहीं पाते हैं जो हमारा दिल दिमाग नहीं कहता वो काम करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए और फिर ये तो राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पे तो फिर जब एक साथ रहना है तो और भी मुश्किल हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जिसे हम लोकतंत्र में अमूल मानते हैं इन्हीं कारणों से क्या होता है कि यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए ना कि सांस्कृतिक पदों में तो राष्ट्र की जो कल्पना है सांस्कृतिक पदों में यदि कर रहे हैं ना तो झगड़े तो रोज़ होंगे ही ये मान के चलिए कि यदि किसी के धर्म को आज मोदी सरकार कह दे कि इस धर्म को हम मान्यता देते हैं यकीन मानिए आज मोदी सरकार के कहने के पाँच मिनट बाद या आधा घंटे बाद पूरा देश बगावत में ना उतर है तो बताइए फिर आप मतलब कि पाँच मिनट या मतलब पंद्रह बीस मिनट तक ठीक है कि लोगों तक खबर पहुंचते पहुंचते लग जाएगी क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया यहाँ पे तो मिनटों में खबर पहुंचती है ठीक है और जैसे ही लोगों तक खबर पहुंची कि मोदी सरकार ने आज पूरे राष्ट्र को हिंदू धर्म वाला राष्ट्र बता दिया है तो उसी टाइम पूरे मुस्लिम अदर धर्म यानी कि जितने हिंदू धर्म के अलावा जो लोग हैं वो बगावत पे आपके रोड पे उतर आएंगे सब के सब यहाँ पे उनका इतना कहना हुआ नहीं कि वो सीधे के सीधे आ जाएंगे कि ऐसा आपने क्यों किया ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा यदि हुआ तो वो सब के सब मतलब तवाही मचाएंगे यहाँ पे कहाँ का हिंदू धर्म फिर कहाँ का कुछ सीधे के सीधे आप अपने देशवासियों कोई पहले संभाले वो तो नहीं बहुत है तो ये चीज़ें होती है कि आप धर्म के आधार पर करोगे बिल्कुल ये संभव ही नहीं है तो इसीलिए इसमें बताया गया कि आप राजनीतिक शब्दावली अपना लो तो बेटर है यार नहीं तो बगावत और आए दिन युद्ध आए दिन द्वंद्व कि देश के अंदर ही हमारे टुकड़े टुकड़े हो रहे जब नहीं होगा ऐसा कि मतलब चलो एक राष्ट्र अपने एक ही धर्म को मान रहा तो जितने धर्म के लोग हैं उतने राष्ट्र बना देंगे सपोज मोदी सरकार ने कह दिया हिंदू धर्म में बनाना पूरा भारत हिंदू धर्म वाला राष्ट्र होना चाहिए तो जो मुस्लिम धर्म के वो अलग राष्ट्र बना लेंगे ना कि हमें मुस्लिम धर्म चाहिए और नहीं है तो फिर ठीक है हम अपना अलग बना लेंगे ईसाई धर्म वाले वो भी किसी भी कीमत में अब कितना भी उन्हें दे दे नहीं छोड़ने को वो तैयार होंगे हमसे कोई कह दे कि आ, हमने एक अंसारी जी की शायद कहानी पढ़ी थी कि जब वो रूम लेने जाते उन्हें नहीं मिलता उनकी जातिगत स्थितियां जो थी मतलब उस कारण से नहीं मिलता कि वो जिस जाति से आते थे वो अच्छी जाति नहीं थी तो वहाँ पे उन दंपतियों को कहा गया कि आप अपनी आ, जो कास्ट है आपकी चेंज कर लो उन्होंने कहा हम कत्तई नहीं करेंगे रूम आज नहीं तो कल मिल जाएगा लेकिन हम अपना जाति चेंज नहीं करने वाले हैं हमसे कोई कहे कि आप अपना नाम चेंज कर लो हम तो कह रहे हैं कि नहीं करने वाले कोई कहते आप जहाँ पे रह रहे हो उस प्लेस को चेंज कर लो आपको अच्छी खासी शांति मिलेगी हम कहने कि भाई हमारा अधिकार है हमें यहीं रहना है जिससे हटना हो हट जाए वो हम नहीं हटने वाले और जब यहाँ पे आ जाती है बात हम पे तो फिर झगड़े बहुत ऊँचे वाले होते हैं इसलिए आप सांस्कृतिक मुद्दे को ना बढ़ाना ही छोड़ दो तो बेटर होगा कि भाई पे हम रख देते उसे जो जिसको मानना चाहता माने भैया आप सब में खुश रहो अच्छी है क्योंकि हमारे राष्ट्र का विकास इसी में है और भलाई भी इसी में वरना भारत में आज को कई टुकड़े हो चुके होते भारत ही क्या जितनी भी कंट्रियाँ हैं यदि वो विविधताओं वाली नहीं होती तो वहाँ पे कई टुकड़े उनके हो चुके होते भारत पाकिस्तान का तो एक वो भी धर्म के आधार पर ही हुआ था कि हमारा हिंदू धर्म उनका मुस्लिम धर्म जो भी था कि मुस्लिम धर्म वाले वहाँ जाएँ हिंदू धर्म वाले यहाँ रहे जो मानना चाहते हैं तो इस आधार पे आज को और भी टुकड़े हो चुके होते और भी टुकड़े हो चुके होते तो यहाँ पे सिचुएशन फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती इसलिए इसमें बताया गया कि सांस्कृतिक पदों को जो भी है हम ही दो तो बढ़िया है इस पर बात ही करना बेकार होता है ठीक है कि आप बात कर रहे हो अभी अशोक का ही डाउट था कि सुप्रीम कोर्ट उसमें मतलब धर्म को बदल सकता है कि नहीं तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो या कि धर्म को वो कैसे बदल सकता है किसी के किसी के पास इतनी औकात नहीं है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे संसद हो चाहे कोई भी हो आपके धर्म में वो ये नहीं कह सकते हैं कि आज हिंदू धर्म वाले पूजा नहीं करेंगे नमाज़ पढ़ेंगे ने कि वो आज शंकर भगवान की जिसकी भी राम भगवान की जिसको भी वो मानते हैं हिंदू धर्म वाले उनकी आरती करना छोड़ के आज वो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे ना तो ये संसद के पास अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट के पास है ना किसी जो भी अपने आप को बड़े से बड़ा महान समझते हो किसी के पास ये पावर नहीं है क्योंकि तो यदि उनको पता है कि हमने कह दिया तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली यहाँ पे फिर यदि एक वर्ड इतना गलती से भी निकल गया ना तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन क्या होने वाली है तो इसलिए उनके पास किसी के पास अधिकार नहीं है हाँ आपके विवाद वगैरह हो रहे कानून वगैरह बनाना है तो आपके फ़ायदे के लिए ही बात कर सकते हैं नुकसान तो आपके धर्म का कतई नहीं कर सकते भगवान भी एक बार सोचेगा कि यार अब हिंदू धर्म पर इसे पैदा कर दिया लेकिन इस बंदे से अब पंगा लेना अच्छा नहीं है यदि पंगा लिए तो हमें भी नहीं छोड़ने वाला है तो इसलिए सांस्कृतिक स्थितियों को आप बंद करके रख दो जो जैसे मानना चाहता है जैसे खुश रहना चाहता है उसमें आप खुश रहने दो उन्हें टांग अपनी सरकार ना आड़ाए इंसान ना आड़ा है बेटर है और इसमें इसीलिए बताया गया कि एक अच्छे हमें राष्ट्र की निर्माण करना है तो राजनीतिक शब्दावली की कल्पना कर लें बट सांस्कृतिक पर मत जाएं ठीक है उसके बाद क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म नस्ल या किसी यहाँ पे भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की ज़रूरत होती है और इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद क्या होता है कि ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई है जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं हमें यह भी देखा मतलब कि हमने यह भी देखा है कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़ते हैं लेकिन क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया है कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं यानी कि अभी इतना तो हमने देखा लेकिन इतनी मोह माया लोग फैलाते क्यों हैं हम क्यों अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं क्यों हम कहीं के जा कहीं जाके ये नहीं कहते कि हम एक इंसान है हम क्यों ये कहते हैं हम एक इंडियन है या क्यों कोई कहता है कि हम एक अमेरिकन है क्यों हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या क्यों एक राष्ट्र के रूप में ही अपने आप को हम बताना चाहते हैं इसका प्रश्न मतलब इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला उसके बाद क्या होता है कि विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या हैं और उसके बाद आगे दो खंडों में हम इस प्रश्न के जो ये दो प्रश्न हुए उनके विचारों मतलब जो विचार करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होता है यानी कि इसका जो आंसर है वो कैसे मिल सकता है कि आखिर क्यों हमारे अंदर ये इच्छाएं आती हैं क्यों हम ये करना चाहते हैं तो इसका भी हम लोग अभी पढ़ेंगे आंसर देखेंगे क्या इसका आंसर है कैसे है तो इसमें से जो भी अभी इसका बचा हुआ है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हाँ जो संविधान संशोधन है वो सॉरी आज भी नहीं हो पाएगा ऐसा मत समझिएगा मैंने बंद कर दिया उसे ठीक है बंद नहीं किया है एक्चुअल में मैं अभी कहीं और से आपको पढ़ा रही हूँ और जिस नोट्स से, से पढ़ाती थी वो मेरी घर पर है इसलिए वो नहीं हो पा रहा है ठीक है तो बस आ, आज से मतलब आज ठीक है हो सकता है कि दो तीन दिन बाद से उसे फिर से मैं कंटिन्यू करूँ उसे मैं पूरा करा के ही छोड़ूंगी ऐसी बात नहीं है तब तक आप उसे रिवाइज करते रहिए और एक बात जो है गोपाल का डाउट था हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी के बारे में था तो हॉलीवुड मूवी और बॉलीवुड मूवी देखेंगे आप ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में ना बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हॉलीवुड मूवी होती है वो हमारे इंडिया में तो कतई बनती नहीं है ठीक है तो उनमें क्या होता ओरिजिनलिटी होती है हॉलीवुड मूवियों में बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी होती है किसी की वो कॉपी करके नहीं बनाते हैं और उनमें जो भी होती नया नया सर्च करते रहते हैं किसी आधार पे नहीं वो नई नई चीज़ें सर्च करते हैं और बहुत नॉलेजफुल वाली मूवी होती हैं जो हॉलीवुड मूवी होती है, है ना बहुत ही नॉलेजेबल मूवी होती हैं वो जब आप देखेंगे ना तो हो सकता है कि उस देखने के तीन घंटा वेस्ट करने के बाद आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिल जाए एक हॉलीवुड मूवी से और एक हॉलीवुड मूवी की क्या कहानी होती है कि वही घिसी पिटी कहानी कि मतलब इंड में हीरो ही विजेता होने वाला हीरो को हीरोइन ही मिल ही जाती है और काम ख़त्म हो जाता है उसके पेरेंट्स उसको प्यार चार होता है वो उसके मम्मी पापा उसको क्या करते हैं मिलने नहीं देते या दुनिया उनके प्यार की दुश्मन बनी होती है वही गाने वही सब कुछ और आपको बहुत ही मतलब शायद ही हो सकता है कि हॉलीवुड मूवियों में गाना सुनने को मिले कहीं कहीं पे हो सकता शायद ही लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा रियलिटी होती है नाइनटी नाइन परसेंट उनमें आप मान के चल सकते हो कि रियलिटी होती है हॉलीवुड मूवियों में लेकिन जो बॉलीवुड मूवी है आप हम देखते हैं अपने इंडियन मूवी देखते हैं यहाँ पे बस मैं तो मतलब ये बात करें एक एक हिसाब से साउथ इंडियन मूवी काफ़ी बेटर है कि जो साउथ की मूवियाँ होती है वहाँ पर भी कुछ हमको रियलिटी दिखाई देता है ये इतना प्यार स्यार का चक्कर नहीं पालते वो तो कुछ बातें वहाँ पे जानने को मिल सकती हैं जिससे हिंदी में ही देखना है तो अच्छी मूवियाँ हैं लेकिन इधर का क्या है ना इधर का तो कोई बच्चा भी दो तीन मूवियाँ देख लिया इस मूवी का सार बता सकता है कि लास्ट में क्या होने वाला है आपको तीन घंटे वेस्ट करने से बढ़िया है कि वो उससे पूछ लो कि आपका लास्ट में क्या होने वाला है इसकी एंडिंग क्या होने वाली है कि वही है और इतनी वो ग्लैमरस दुनिया दिखा देते हैं ना हाली बॉलीवुड वाले अपने यहाँ के बॉलीवुड वाले कि रियल में उतना कुछ होता नहीं है मतलब इतना क्या आपको पता कभी हमारे बॉलीवुड की मूवियाँ गरीबों पर बनती ही नहीं है कभी कुछ ऐसा हो तो नहीं जिसमें से कि कुछ जागरूकता तो मैंने कहती कि मूवियाँ यहाँ की गंदी होती हैं या कुछ ऐसा है आ, बट एक वो है कि ठीक बॉली है बॉलीवुड जितनी बेटर मूवियाँ उतनी तो नहीं कह सकते कि ये बेटर हैं और उनसे भी बेटर साउथ इंडियन की मूवी है आ, लेकिन बॉलीवुड से बेटर साउथ इंडियन वाली है और उसकी काँपी करके ये बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और इनमें पूरा वही दिखाते हैं आप मूवी बना रहे हो एक जागरूकता लाने के लिए हम बना रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हीरोइन भी एक रही ज्यादा घर से आ रही है हीरो भी एक बहुत बड़े मतलब घर से आ रहा है या किसी टैक्सी का ड्राइवर है या कहीं पे वो रिक्शा चला रहा है ठीक है या कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है तो कोई एक गरीब कोई अमीर है उसमें भी वो दू... मतलब ज्यादा दिन नहीं लगते वो चल ही नहीं पाते उस सिचुएशन में दोनों के दोनों ही अच्छे खासे महलों में रहते हैं वहीं से उनका होता और हम लोग देख के वही काल्पनिक दुनिया बसाते हैं कैसे हीरो आएगा हीरोइन को उठा के ले जाएगा और कहानी बात हमारी सारी बात बन जाएगी लेकिन हमारे लाइफ की रियलिटी जो है वो बहुत अलग है उस बॉलीवुड मूवी से बहुत अलग है जो उसमें दिखाया जाता है शायद आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वहाँ से कितनी अलग है उनसे अच्छी तो मैं बात करूँ तो भोजपुरी मूवी अच्छी होती है क्योंकि वहाँ भी थोड़ा बहुत ये ठीक है कि उतना ज़्यादा आपको वो नहीं दिखाएंगे कि हाई फाई वाला ठीक है जो भी आपका गांव का है घर का है कुछ वैसे सिचुएशन में दिखाते हैं हम जहाँ से रह रहे हैं वो अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन ये ग्लैमर वाली दुनिया बड़ी ख़तरनाक होती है जहाँ पे ये दिखाया जाता है लेकिन अपना अपना लगा होता है कभी कभी कुछ मूवियाँ अच्छी भी बन जाती हैं जैसे पीके वगैरह हैं बहुत सारे आर्टिकल फिफ्टीन है कुछ अच्छी मूवियाँ बन जाती हैं लेकिन ज़्यादातर इस कहानी का जो मतलब वही पुरानी कहानियाँ ही होती हैं ज़्यादातर मूवियों में हमें यही देखने को मिलता है कि एक टाइम आता है हीरो हीरोइन से अचानक से मिलता है वहाँ पर उनसे धीरे धीरे कभी पहले झगड़े होते हैं ज़्यादातर मूवियों में एक मूवी में नहीं वही कहानी चल रही है पहले उनके अचानक से मिल रहे हैं झगड़े हो रहे हैं उसके बाद प्यार हो रहा है उसके बाद दुश्मन बन रहे उसके बाद वो किसी और से शादी होने वाले उसके बाद हीरो जाता है विलन को मारता है हीरोइन को लेकर चला आता है तीन घंटे की कहानी का सार मैंने आपको बता दिया और यही होता है हमारी बॉलीवुड मूवियों में जबकि हॉलीवुड मूवियों में ऐसा कुछ ही है प्यार चार का चक्कर सीन उन पलता नहीं है वहाँ पे बहुत अच्छे खासे तीन घंटे मैंने बताया ना कि आप बेस्ट यदि कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे वहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, थोड़ी बहुत नहीं बहुत कुछ सीख के जाएंगे और एक साउथ इंडियन भी हद तक आप देखते हैं तो भी वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाता है कि कैसे कोई हमारी शासन व्यवस्था है मैंने आपको एक फोर जी मूवी बताई थी वो भी साउथ इंडियन की मूवी है वहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है कैसे इसका यदि हम सही तरीके से अपने पद का या किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे हम एक अपने राज्य को अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बहुत विचारधाराएं जो अच्छी वाली आएंगी लेकिन बॉलीवुड को देख के ना हमें लगता है काश माधुरी दीक्षित या कटरीना हमें मिल जाए या काश वरुण धवन हमारे हो जाते तो कितना अच्छा होता या गोविंदा जी या सलमान जी हमारे हो जाते तो कितना अच्छा होता बस वही वाली हमारे अंदर भावना आती है क्योंकि ये जो दूरदर्शन ये जो हमारे टीवी है टेलीविज़न है जो हमारे फ़ोन है ये जितने भी माध्यम होते हैं जो भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं हम जिस तरीके के देखेंगे माइंड सेट हमारा वैसे ही बनता है और जब माइंड सेट हमारा उसी तरीके से बनता है तो फिर क्या होता है कि हम वही वही सोचते रहते हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि किसी ना किसी को आप किसी हीरो को या किसी हीरोइन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बॉलीवुड की बात कर रहे हो हॉलीवुड की नहीं या साउथ इंडियन की नहीं बॉलीवुड की ठीक है और यहाँ पे क्योंकि हम देखते ही हुए हैं कि बस यही सिस्टम चल रहा और यहाँ पे आज सिचुएशन भी यही है कि आज जिस बच्चे को जो नाइन्थ में है एट्थ में है जिसे पढ़ने की उम्र है उसे तो बस प्यार का बहुत सवार है और वो बहुत मतलब वो भी फिल्मी दुनिया में दे जी रहे हैं क्या किसी को उन्होंने किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा तो मन ही मन में वो पता नहीं जैसे होता है ना टी में कि देखते ही अब गाना चलने लगता है उनके मन में भी चलने लगता है हवाएँ चलने लगती हैं बारिश होने लगती है मन ही मन में पूरा सब कुछ हो जाता है तो आज सब कुछ सिस्टम जो है वो कुछ अलग तरीके से चल रहा है तो बस इतना आप डिफ्रेंसेस समझ के चलिए कि जो बॉलीवुड है और हॉलीवुड है दोनों में यही है कि उसमें रियलिटी होती है इसमें वही घिसी पिटी पुरानी कहानी होती है कोई रियलिटी की बात होती नहीं है क्योंकि जो ग्लैमरस दुनिया आप दिखा रहे हो यहाँ पे ऐसी कुछ बात तो हमारे इंडिया में है ही नहीं बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं हम वो तो दिखा नहीं रहे हैं हम क्या दिखा रहे हैं जो बहुत रही वाला तो वो तो खैर अलग ही बात होती है ठीक है और उसके बाद था एक और थे अपने प्यारे से स्टूडेंट ही है तो उनको नींद बहुत आती है तो ठीक है नींद आती है नींद आना अच्छी बात है लेकिन एक दो बार झटका खा जाओगे आप तो हो सकता है मेरी ये बात बुरी लगे लेकिन मैंने भी बताया था ना कि ऐसे कभी होता था अपने साथ भी लेकिन जब इंसान एक दो बार झटका खा लेता है उसके बाद नींद तो आप सोना चाहो तो भी नहीं आती है याद रखिएगा तो बेहतर है यदि नहीं झटका खाना चाहते एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं तो टारगेट पे फोकस करिए नींद पे नहीं नींद नहीं आएगी यदि टारगेट आपके सामने होगा और टारगेट आपके सामने नहीं होगा तो आपको नींद आएगी यदि आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास बहुत टाइम है बहुत दिन है हमारे पास या अभी हम तो बच्चे हैं कर लेंगे तो नींद आएगी सब कुछ आएगा सारी दुनिया का जितना भी झमेला काम करने सब कुछ करने का मन करेगा ओनली पढ़ाई छोड़ के तो ऐसे ये सब बहाने होते हैं ये सारी चीज़ें ना बहाने होते हैं बाद में धीरे धीरे समझ में आते हैं लेकिन आपको यदि कोई मेरे जैसा मेंटोर मिल रहा बताने वाला तो इसलिए पहले ही समझ जाइए तो बेटर है कि ये सब सेकेंडरी मैटर है नींद आना अच्छी बात है नींद लेना चाहिए और छः घंटे सात घंटे से ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए लेकिन आप जिस टारगेट पर फोकस कर रहे हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से कि बस इतने में ही यदि आपको लग रहा हो ना कि आठ साल में दस साल में पंद्रह साल में बारह साल में या लास्ट अपनी एज तक में निकाल लेंगे चलो हमारे पास इतने अटैम्प्ट हैं निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिंदास सोइए और यदि लग रहा कि नहीं दो से तीन साल के अंदर हमें निकालना ही निकालना है और यदि नहीं निकलता तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता देखेंगे लेकिन दो से तीन साल इसमें झोंक ही देना है तो फिर नींद दूध नहीं आने वाली है ये जिंदगी की सच्चाई है कोई ऐसा नहीं है और एक नेचुरल है कि नींद सबको आती है लेकिन जो इन सब से विजयी होता है तो रियलिटी यही है कि इतिहास वही रचता है ऐसा नहीं होता कि जो सब कुछ सुख ऐसा आराम मिल जाए और वो इतिहास भी बना ले इम्पॉसिबल है सो so, आप में से जिन्हें भी नींद आती हो थोड़ा ध्यान रखिए कि हमें टारगेट पे फोकस करना है अदरवाइज़ ना तो मैं सजेशन दूंगी आपको कि ना तो अपने पापा का पैसा ख़राब कीजिए ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए चुपचाप कहीं काम ढूंढ लीजिए और काम करिए अच्छा होगा आपके लिए तो और वहाँ पे भी जो भी काम करके आएंगे थके होंगे आराम से सो जाएंगे कुछ भी होगा हम हम आराम से लाइफ इन्जॉय कर सकते हैं कोई वहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं कोई पढ़ाई लिखाई की झंझट नहीं होगी और यदि सच में हमें क्रैक करना है तो इसमें आ, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है पढ़ाई के साथ नींद आ रही पानी से मुँह धो लो उसके बाद पढ़ो यहाँ पे आ, कोई टिप्स बताए कोई कि कैसे नींद नहीं आएगी कोई कोई कुछ बताए कुछ नहीं होगा सीधे से इसका एक ही दवाई है कि एक से दो बार आप धोखा खाओगे एक भी बार धोखा खा गए आप कोई एग्जाम दीजिए आपकी जो भी है कि कितना पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो पता चल जाएगा हमें कि हम कैसे पढ़ रहे हैं देन हमें नींद कहाँ की पता ही नहीं चलेगा कि नींद क्या होती क्या है कभी नहीं आने वाली फिर वो तो बचपन की बातें होती जब नींद आती है कुछ भी होता है जब आज टारगेट सामने होता है तो ना तो नींद आती है ना इसके का भूत सवार होता है ना कुछ होता बस एक ही होता है कि ये जो हमारा टारगेट है इससे अब हमें क्या करना है पाना ही पाना है चाहे दुनिया इधर के उधर क्यों ना हो जाए और जब ये हमारे अंदर होगा कभी नींद तो आएगी नहीं आप सोना चाहो तो वो अलग बात है खुद से सो जाओ लेकिन सच में नींद नहीं आएगी और मेरे पास तो खैर यही दवाई है मैं क्योंकि कभी कोई बनावटी बात करती नहीं हो तो आज नहीं बताने वाली आपको कि नहीं नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है डॉक्टर को दिखाना चाहिए मैं यही कहूँगी और आपकी बातों से यही है कि आप उसके लिए थोड़ा अभी ना सचेत तो हैं बट थोड़ा है ज़्यादा होने की ज़रूरत है अभी और यदि जल्दी हो जाते हैं तो बेहतर है और एक टारगेट पे काम करिए ऐसा मत करिए कि दस साल बारह साल पंद्रह साल बाद हम कर लेंगे जी नहीं दो से तीन साल करना निकला तो निकला नहीं दूसरा देखेंगे क्योंकि हाँ सिर्फ हम एक इंडिया वासी ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा की ना बैठ के अच्छी खासी जो भी पैसा है पच्चीस साल तीस साल तक उन्हीं के पैसे उसे ऐसे आराम करते हैं हम इंडिया वासी ही ऐसे हैं बाकी अदर कंट्रियों में वो अपना हुए एडल्ट हो गए उसके बाद से वो अपना खर्चा खुद से उठाते हैं इसमें कोई इशू नहीं लेकिन हम लोग ही ऐसे महानुभाव हैं तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने टारगेट पे फोकस करिए और जिस दिन हो गया जिस दिन आप टारगेट पे फोकस कर लिए अच्छे तरीके से कि करना ही करना है नींद नहीं आएगी ये मेरा दावा है क्योंकि यदि मुझे नींद आती थी यदि मुझे अब नींद नहीं आती इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो बात थी और जो समझ में बाद में आई लेकिन आ तो जरूर गई है कि अब सोना चाहो तो भी सपने में भी वही हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी दिखती है तो वो बात अब अलग रह गई है इसलिए आप धोखा मत खाइए पहले से सचेत हो जाइए एंड फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट फर्स्ट को ही लास्ट बनाइए और क्रैक करिए इसके अलावा कोई आपसा नहीं होता हमारे पास ठीक है सो ऑल द बेस्ट और करते रहिए पढ़ते रहिए और ये सोना ओना कुछ नहीं होता सोइए आराम से सोइए दो तीन घंटे जो भी है हाँ, सोने के साथ भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए सोना लाइफ के लिए अच्छा है हमारे ज़िंदगी के लिए लेकिन जिंदगी तबाह करते जो चीज़ वो अच्छी नहीं होती मतलब ज़्यादा नहीं होता बस हिसाब भर करिए सारी काम वो अच्छा होता है